आगरा में रोजगार के नए अवसर तलाशने में जुटे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के प्रयास रंग ले ही आए। एनजीटी के चलते आगरा में उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी के आगरा और प्रयागराज समेत देश के 10 राज्यों के 12 शहरों को स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित करने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से आगरा में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा को स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित करने की परियोजना में शामिल करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगा आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना पर सरकार 28,602 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मुहिम के तहत पिछले 3 महीने में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। बजट में सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के डेवलपमेंट की घोषणा की थी। ये शहर बनेंगे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब का राजपुरा और महाराष्ट्र का दिघी, केरल का पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, बिहार का गया, तेलंगाना का जहीराबाद, राजस्थान की पाली और आंध्र प्रदेश के ओवरक्कल और कोपाथी शामिल हैं। आगरा उत्तर प्रदेश अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटी, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुड नॉट हैपन, इसीलिए इसमें फोकस करके टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड, जहाँ पे क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें करीब करीब 70,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा, 70,000 रोजगार के नए अवसर इस प्रोजेक्ट से उपलब्ध होंगे। इसमें फोकस कन्वेंशनल भी रखेंगे और न्यू जनरेशन के इंडस्ट्रीज पे भी फोकस रहेगा। मिलेंगे रोजगार के 40 लाख नए मौके। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को विकसित भारत की थीम पर तैयार किया जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तरह इन शहरों के चारों ओर सड़कें बनाई जाएंगी। इससे 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री बोले, मिला मेहनत का फल। आगरा के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एनजीटी की बंदिशों के चलते व्हाइट कैटेगरी उद्योग स्थापित कराने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने कई बार पीएमओ से पत्राचार भी किया था। जब केंद्रीय कैबिनेट ने आगरा को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में शामिल 12 शहरों में शामिल किया तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। आगरा के सांसद ने कहा कि इस परियोजना से आगरा के विकास के द्वार खुल गए हैं। आगरा के विकास को अब पंख तो लगेंगे ही। आगरा के युवाओं को अब रोजगार की तलाश में बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।